हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लेनोवो के एक नोट की नई अपडेट मई 2018 में जो आई है, इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड के सब्सक्राइबर बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ अच्छा दी गई है लेनोवो के नोट में नई अपडेट के बाद और क्या कुछ खराब दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आप सबको ये नोटिफिकेशन मिलने चलता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी हद तक चेंज कर दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और चलते हैं सेटिंग में। तो आप सेटिंग में देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव की गई है सेटिंग में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी के बेल आइकन, बैटरी के जो परसेंटेज है वो पहले बैटरी के बीच में दिखाया जाता था, वो अभी बाहर कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और अच्छा लग रहा है देखने में। और आप यहाँ देख सकते हैं बैटरी में जाने के बाद आप इस बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ही बंद कर पाएंगे और यहाँ से ही ऑन कर पाएंगे। और इसकी दूसरी जो अच्छी लगी फीचर्स वो कॉलिंग की, जो कि कॉलिंग की डिज़ाइन भी चेंज कर दी गई, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट मारा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की कॉलिंग कर दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और बात करें इसकी दो ख़राब फीचर्स की, तो मुझे जो दो ख़राब फीचर्स लगी वो ये कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि शुरू से ही फ़ोन में नहीं था और इतनी अपडेट्स आने के बाद भी अभी तक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं दी गई है इस फ़ोन में। बाकी सभी फ़ोन में दिया जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, पर इसी फ़ोन में एक नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस फ़ोन की मैं अभी बात करूं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं अभी मेरा नेट ऑन है, पर इस फ़ोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की ही है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। अभी मेरी नेट ऑन है, फिर भी आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चल रही है। मैं अभी कट करके यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नेट बंद कर दिया, नेट बंद करने के बाद भी हमारा YouTube चलेगा, आप देख सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं फिर से कट करके फिर से ऑन करता हूँ YouTube को, आप देख सकते हैं ये YouTube फिर से चलना शुरू होगा। अभी भी हमारा नेट ऑन ही है, आपको देख सकते हैं आप, ये नेट बंद करने के बाद भी नेट हमारा चल रहा है, आप ये देख सकते हैं। जो कि ये काफ़ी खराब फीचर दी गई है, हमारा नेट बंद रहे या खुला रहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जो कि ये काफ़ी बड़ी गलती की है लेनोवो के नोट ने। अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जल्दी से जल्दी मैं कहूँगा लेनोवो के नोट इसे जल्दी से जल्दी सुधार करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, थैंक यू।